तो हल्क और हरकुलिस जैसे सुपर हीरोज शुरू से ही ड्यूरेबिलिटी में बहुत आगे हैं। यानी कि इन जैसे कैरेक्टर्स की बॉडी इतनी ज्यादा ड्यूरेबल है कि इनकी बॉडी पर चाहे हैमर का यूज किया जाए, चाहे इन्हें जलाया जाए, चाहे इन पर गोली चलाई जाए या फिर इन्हें बम से उड़ाया जाए, इनकी ड्यूरेबिलिटी के चलते इन्हें उन सबसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सभी कैरेक्टर्स की ड्यूरेबिलिटी इनके जितनी नहीं होती और इसीलिए कुछ को अपनी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए शील्ड या फिर आर्मर का यूज करना पड़ता है। और आज हम ऐसे ही कैरेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं। तो आज हम मार्वल और डीसी के 10 ऐसे पावरफुल कैरेक्टर्स की बात करेंगे जिनके पास यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मर्स हैं, और इसीलिए इनके आर्मर्स के रहते इन कैरेक्टर्स को नुकसान पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी करें। इस वीडियो पर एम करते हैं 5000 लाइक्स का। एम छोटा सा है, इसीलिए जल्दी से पूरा कर देना, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज, आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमने हाल ही में आई मार्वल की सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज के पहले एपिसोड को एक्सप्लेन कर दिया है, और सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज के पहले पार्ट को भी अपने चैनल के ऊपर पब्लिश कर दिया है। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद उन दोनों वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। दोनों वीडियोस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, ब्लू बीटल। तो जेमी रईस यानी कि ब्लू बीटल डीसी यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर अब बहुत ही जल्द हम सभी को लाइव एक्शन मूवीज में भी दिखने वाला है। ब्लू बीटल की पावर्स की बात की जाए तो ब्लू बीटल यानी कि जेमी रईस के पास कोई भी पावर्स नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि जेमी रईस एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग है। लेकिन इसके पास एक ऐसा पावरफुल आर्मर है जिसे पहनने के बाद ये सुपर ह्यूमनली बहुत पावरफुल बन जाता है। असल में डीसी कॉमिक्स की माने तो डीसी कॉमिक्स के अंदर जब शज़ाम और स्पेक्टर की लड़ाई की वजह से रॉक ऑफ इटर्निटी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब उसी पर वहाँ का ब्लू स्कैरब वहाँ से सीधा एल पैसो में गिर जाता है, जिसके बाद आगे चलकर ये ब्लू स्कैरब जेमी रईस को मिलता है, और फिर जेमी रईस को देखते ही ये ब्लू स्कैरब एक सिम्बियोट की तरह उसकी बॉडी से कनेक्ट हो जाता है और उसे अपना होस्ट चुन लेता है, जिसके बाद जाकर जेमी रईस बनता है ब्लू बीटल। ब्लू बीटल का ये पावरफुल आर्मर ड्यूरेबिलिटी के मामले में बहुत एडवांस है, और वो इसीलिए क्योंकि ये आर्मर चाकू छुरी से लेकर बुलेट्स तक और लेजर बीम से लेकर मैजिकल पावर्स तक हर चीज को बेअसर कर सकता है। और इस आर्मर में रहते हुए ब्लू बीटल फ्लाई कर सकता है, अपनी हीलिंग पावर्स को इंक्रीज कर सकता है, खुद को बचाने के लिए शील्ड क्रिएट कर सकता है, और तो और अपने मन मुताबिक किसी भी वेपन को क्रिएट कर सकता है। नंबर 9, ब्लैक पैंथर। तो वकांडा देश की टेक्नोलॉजी से बना ब्लैक पैंथर का सूट पूरी दुनिया के सबसे ड्यूरेबल चीजों में से एक है। ब्लैक पैंथर का ये सूट बना है वाइब्रेनियम से, जो कि एक ऐसा मेटल है जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन ही है। ब्लैक पैंथर के पास कई सारे वाइब्रेनियम आर्मर्स हैं, और अगर बात की जाए ब्लैक पैंथर के सबसे एडवांस आर्मर की तो उसका सबसे एडवांस आर्मर नैनोटेक से बना है, और नैनोटेक से बना ये एडवांस आर्मर ब्लैक पैंथर के लिए सिर्फ एक नेकलेस के अंदर फिट हो सकता है, जिसे ब्लैक पैंथर जब चाहे और जहां चाहे यूज कर सकता है। ब्लैक पैंथर के आर्मर की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन नैनोटेक से बने इस आर्मर की सबसे खास बात ये है कि ये किसी भी तरह के शॉक और इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद जरूरत पड़ने पर वो उस पूरी एनर्जी को एक साथ रिलीज कर सकता है। और वैसे तो ये आर्मर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि इसे किसी भी तरह से डैमेज कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तब भी किसी तरीके से इस पावरफुल वाइब्रेनियम आर्मर को कुछ हो भी जाए या फिर ये कहीं से डैमेज हो जाए तो तब भी ये आर्मर खुद को बहुत ही जल्दी रिपेयर कर सकता है। नंबर 8, साइबॉर्ग। तो साइबॉर्ग का रियल नेम विक्टर स्टोन होता है, जो कि एक नॉर्मल सा फुटबॉल स्टार होता है, पर आगे चलकर विक्टर स्टोन एक बहुत बड़े एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, जिस वजह से उसकी ज्यादातर बॉडी डैमेज हो जाती है। लेकिन फिर उसी टाइम पर विक्टर स्टोन का फादर मदर बॉक्स की हेल्प से विक्टर स्टोन को ठीक कर देता है। लेकिन विक्टर स्टोन ठीक तो होता है, पर ठीक होने के साथ ही उसकी आधी बॉडी मैकेनिकल हो जाती है, और उसे मिलता है एक एडवांस और ड्यूरेबल आर्मर, जिसके बाद वो कहलाता है साइबॉर्ग। साइबॉर्ग का ये साइबरनेटिक आर्मर उसकी आधी बॉडी को ही कवर करता है, लेकिन अपने इस ड्यूरेबल और पावरफुल आर्मर की वजह से साइबॉर्ग की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा एनहेंस हो जाती है कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के जस्टिस लीग के अंदर साइबॉर्ग सुपरमैन, वंडर वुमैन और एक्वामैन के बाद चौथा सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन जाता है। साइबॉर्ग का यह साइबरनेटिक आर्मर एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है, और इसीलिए यह साइबॉर्ग को हर तरह के रिजरेक्शन से बचा सकता है। साथ ही साथ अपने आर्मर की मदद से साइबॉर्ग अपनी बॉडी के अंदर सेल्फ मॉडिफिकेशन भी कर सकता है और अपने आर्मर को एक वेपन का रूप दे सकता है। नंबर 7, डॉक्टर डूम। तो विक्टर वॉन डूम एके डॉक्टर डूम मार्वल यूनिवर्स के सबसे पॉपुलर, पावरफुल और आइकॉनिक विलन्स में से एक है, और इसे एमसीयू के अंदर देखना लगभग से हर मार्वल फैन का सपना है। डॉक्टर डूम एवेंजर्स का एक ऐसा विलन है जिसके पास हमेशा से ही बैकअप का भी बैकअप होता है, और इसीलिए एवेंजर्स को जब भी ऐसा लगता है कि डॉक्टर डूम उनसे हार रहा है, तभी डॉक्टर डूम एक नए प्लान के साथ उनके सामने आ जाता है। डॉक्टर डूम की फिजिकल पावर्स की बात की जाए तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डॉक्टर डूम के पास कोई सुपर ह्यूमन पावर्स नहीं है, लेकिन डॉक्टर डूम के पास एक ऐसा एडवांस पावर
पावरफुल और ड्यूरेबल आर्मर है जो कि डॉक्टर डूम को फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। डॉक्टर डूम का ये आर्मर हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम एलॉय से बना है, जिस वजह से इस आर्मर को तोड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और ये आर्मर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये हर तरह के अटैक को झेल सकता है। यहाँ तक कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर तो हमें ये दिखाया गया है कि ह्यूमन टॉर्च के पावरफुल फायर अटैक्स भी डॉक्टर डूम के आर्मर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नंबर 6, डिस्ट्रॉयर आर्मर। तो डिस्ट्रॉयर आर्मर खुद में ही एक जीता जागता आर्मर है जो कि बिलोंग करता है एसगार्डियन के प्लैनेट्स एसगार्ड से। डिस्ट्रॉयर आर्मर को द डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है और मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग इसे एसगार्ड का राजा ओडिन क्रिएट करता है। द डिस्ट्रॉयर बना है एसगार्ड के एक स्ट्रॉन्ग और मैजिकल मेटल से जिसके ऊपर ओडिन का एन्चेंटमेंट भी है, और इसी वजह से ये आर्मर सुपर ह्यूमनली बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल है। यहाँ तक कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसे प्रैक्टिकली इनवल्नरेबल भी बताया गया है, जिसका मतलब इसे डैमेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके साथ ये आर्मर खुद से ही एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता है, मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, चीजों को सेंस कर सकता है, और तो और ये आर्मर अपनी आंखों से फायर बीम भी ब्लास्ट कर सकता है। नंबर 5, वंडर वुमन। तो वंडर वुमन यानी कि डायना अमेजोनियन वॉरियर्स के किंगडम थेमिस्केरिया की प्रिंसेस है और इसके पास है ईगल शेप में दिखने वाला एक स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल आर्मर। वंडर वुमन के आर्मर का नाम है गोल्डन ईगल आर्मर और ये आर्मर लाइव एक्शन मूवीज के अंदर हम सभी को सबसे पहले दिखा था वंडर वुमन की सेकंड मूवी वंडर वुमन 1984 के अंदर। लेकिन अगर डीसी कॉमिक्स की माने तो कॉमिक्स में ये आर्मर सबसे पहले सामने आया था 1990s के अंदर, जहां पर इसका यूज करके वंडर वुमन सुपरमैन से फाइट करती है। वंडर वुमन का ये गोल्डन ईगल आर्मर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल और टफ है, और आप तो ये सोच ही सकते हैं कि जिस आर्मर को सुपरमैन के अगेंस्ट यूज किया जाए वो आर्मर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। नंबर 4, थैनोस। तो मैड टाइटन थैनोस एक इटर्नल डेविएंट हाइब्रिड है जो कि फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन थैनोस के पास एक पावरफुल आर्मर भी है जो कि बेसिकली एक बैटल आर्मर है। और वो इसीलिए क्योंकि थैनोस अपने इस बैटल आर्मर का यूज तभी करता है जब उसे किसी प्लेनेट को इन्वेड करना होता है या फिर किसी तगड़े अपोनेंट से फाइट करना होता है। थैनोस का आर्मर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ है, और वैसे ये चीज कहीं मेंशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि थैनोस का ये बैटल आर्मर मार्वल यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग मेटल कहे जाने वाले उरो मेटल से बना है। थैनोस का ये आर्मर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एमसीयू के इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब हल्क थैनोस के ऊपर हमले करता है तब हल्क के पावरफुल पंचेस का भी थैनोस के आर्मर के ऊपर कोई असर नहीं होता और थैनोस हल्क के सामने विदस्टैंड रहता है। लेकिन थैनोस के इस बैटल आर्मर की एक ही वीकनेस है, और वो वीकनेस ये है कि थैनोस के इस बैटल आर्मर को पावरफुल मैजिक्स के जरिए तोड़ा जा सकता है, क्योंकि जब एवेंजर्स एंड गेम के अंदर जब वांडा मैक्सिमोफ थैनोस के सामने आती है तब वो अपने पावरफुल केओस मैजिक की मदद से थैनोस के आर्मर को तोड़ देती है, साथ ही साथ वो थैनोस के उरु मेटल से बने हुए डबल एज स्वॉर्ड को भी तोड़ देती है। नंबर 3, बैटमैन। तो बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन सिर्फ एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग है, लेकिन सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हुए भी बैटमैन पूरी दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है बैटमैन का फैंस को एक रिलेवेंट सुपर हीरो लगना, बैटमैन के विलन्स और कमाल की स्टोरी लाइन्स। लेकिन इन सब के साथ ही बैटमैन की पॉपुलरिटी का एक बड़ा रीजन उसका पावरफुल आर्मर भी है। बैटमैन के आर्मर का नाम बैट सूट है, जो कि एक ऐसा पावरफुल आर्मर है कि उसके रहते बैटमैन को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। बैटमैन का ये पावरफुल आर्मर बुलेट प्रूफ, कई तरह के पावरफुल अटैक्स को रिजरेक्ट कर सकता है, और तो और बैटमैन के सुपर स्ट्रेंथ को भी बढ़ा सकता है। बैटमैन के पास कई सारे पावरफुल आर्मर्स हैं, लेकिन बैटमैन के जिस आर्मर को उसका सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मर माना गया है वो आर्मर है बैटमैन का हेलबैट आर्मर। और ये आर्मर इतना ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल है कि इस आर्मर में रहते हुए बैटमैन डार्क साइड तक का सामना कर सकता है। नंबर 2, नल। तो मार्वल का एल्ड्रिच गॉड नल सभी सिम्बियोट्स का भगवान है, और वो इसीलिए क्योंकि सभी सिम्बियोट्स को इसी ने क्रिएट किया है। नल इतना पावरफुल है कि वो सिम्बियोट्स को पैदा कर सकता है, और इसीलिए सिम्बियोट्स को क्रिएट करके नल अपने लिए एक पावरफुल सिम्बियोटिक आर्मर भी क्रिएट करता है जो कि नल की पूरी बॉडी को लगभग हर तरह के अटैक से प्रोटेक्शन देता है। नल का ये सिम्बियोटिक आर्मर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इस आर्मर के ऊपर यूनिवर्स के किसी भी पावरफुल अटैक का कोई असर नहीं होता। यहां तक कि सेलेस्टियल्स, जिन्हें मार्वल यूनिवर्स का क्रिएटर माना जाता है, वो भी नल के सिम्बियोटिक आर्मर का कुछ नहीं कर सकते। और नल अगर चाहे तो अपने सिम्बियोटिक पावर से बने नेक्रोसोर्ड की मदद से सिम्बियोट्स का गला काट सकता है, और मार्वल कॉमिक्स के अंदर नल ने ऐसा किया भी है। नंबर 1, आयरन मैन। तो टोनी स्टार्क एके आयरन मैन मार्वल के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक है, और अगर सिर्फ मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात की जाए तो एमसीयू के अंदर आयरन मैन सबसे पॉपुलर है। आयरन मैन एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, और अगर इंटेलिजेंस की बात की जाए तो पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर आयरन मैन जैसा जीनियस और कोई भी नहीं है। और वो इसीलिए क्योंकि आयरन मैन अपने दिमाग की मदद से कुछ भी क्रिएट कर सकता है, और अगर उसे प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाए तो फिर तो वो किसी का भी सामना कर सकता है। आयरन मैन से पहले हमने नल की बात की थी, और जिस तरह से नल को सिम्बियोट्स का भगवान माना जाता है, ठीक उसी तरह से आप सभी आयरन मैन को आर्मर्स का गॉड कह सकते हैं। आयरन मैन ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक से एक पावरफुल आर्मर्स को क्रिएट किया है, चाहे बात की जाए एमसीयू में दिखने वाले मार्क 42 आर्मर की, ईगोर आर्मर की,
हल्कबस्टर आर्मर की, इन्फिनिटी वॉर के मार्क 50 आर्मर की या फिर एमसीयू के सबसे पावरफुल मार्क 85 आर्मर की। आयरन मैन ने इन सबको क्रिएट किया है। यहाँ तक कि पेपर पॉट्स का रेस्क्यू आर्मर और कर्नल जेम्स रोड का वॉर मशीन आर्मर भी आयरन मैन ने क्रिएट किया है। साथ ही साथ रीरी विलियम्स का आयरन हार्ट आर्मर भी आयरन मैन के आर्मर से इंस्पायर्ड है। लेकिन अगर बात की जाए मार्वल कॉमिक्स की, तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर आयरन मैन ने और भी कई सारे पावरफुल आर्मर्स को क्रिएट किया है। चाहे बात करें आयरन मैन के ब्लीडिंग एज आर्मर की, एक्सट्रीम बायोट आर्मर की जिसे आयरन मैन ने स्पेशली नल से लड़ने के लिए बनाया था, थॉर बस्टर आर्मर की जो कि थॉर से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, या फिर इन सब के अलावा हम बात करें आयरन मैन के गॉड बस्टर आर्मर की जो कि स्पेशली क्रिएट किया गया था मार्वल यूनिवर्स के गॉड से लड़ने के लिए। लेकिन इन सब के साथ ही मार्वल कॉमिक्स के अंदर आयरन मैन ने गॉड किलर आर्मर को भी यूज कर रखा है, जिसे क्रिएट किया गया था एस्पिरेंट्स के द्वारा ताकि ये आर्मर सेलेस्टियल्स को खत्म कर सके। और इसीलिए यहीं से आप ये समझ सकते हैं कि इस आर्मर का यूज करके आयरन मैन मार्वल यूनिवर्स के सेलेस्टियल्स तक को मार सकता है। तो दोस्तों यही थी वीडियो मार्वल और डीसी यूनिवर्स के ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर जिनके पास सबसे पावरफुल आर्मर्स हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारी सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 1 एक्सप्लेनेशन और सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके या फिर हमारे चैनल में जाकर उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हैं। आई होप आपको वो दोनों वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।